गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ओपन योर माय हॉलीडे बुक क्लास यूकेजी। टुडे वी स्टार्ट वर्कशीट 3, साउंड ऑफ वोवेल ए। कौन सा साउंड है बच्चों? ए। ओके, इसमें हमें क्या करना है? कलर द एट बबल्स पिंक, कलर द एट बबल्स येलो, और कलर द आर बबल्स ब्लू, कलर द एन बबल्स ग्रीन। ओके, जिसमें ए टी आता है उसको हमें किससे कलर करना है? पिंक से। तो देखिए इसमें ए टी कहाँ आ रहा है? आर ए टी, इसमें ए टी आया है ना, तो इसको हम किससे कलर करेंगे? पिंक से। ओके, नेक्स्ट में देखे एट कहाँ आता है? देखे ये एफ ए टी, फैट। ओके, नेक्स्ट में देखे एट कहाँ आता है? डैट कार हैट, ये एच ए टी हैट, इसमें एट आया, इसको भी हम पिंक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमें? कलर द एड बबल्स येलो, जिसमें एड आता है उसमें उसको हमें क्या करना है? किस कलर से? येलो कलर से करना है। तो देखिए एड कहाँ आ रहा है? जार मैन हैड। ओके, इसमें आया ना एच ई डी हैड, इसको हम येलो कलर से कर देंगे। नेक्स्ट में देखिए कहाँ एड आ रहा है? फैन डेड, इसको भी हम येलो कलर से कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कार बैड, बी ए डी बैड, तो इसमें भी हम येलो कलर से इसको कलर करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है? कलर द आर बबल्स ब्लू, जिसमें ए आर आर आ रहा है उसको हम किस कलर से करेंगे? ब्लू कलर से। तो देखिए ए आर कहाँ पे आ रहा है? एफ ए आर फॉर, इसको हमें किस कलर से करना है? ब्लू कलर से। ओके, नेक्स्ट देखिए जे ए आर जार, इसको भी हमें ब्लू कलर से ही कलर करना है। और देखिए ए आर कहाँ पे आ रहा है? एम ए एन मैन, एफ ए एन फैन, सी ए आर कार, इसमें ए आर आ गया है ना, इसको भी हम ब्लू कलर से कलर करेंगे। नेक्स्ट ए आर नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है? कलर द एन बबल्स ग्रीन, जिसमें ए एन एन आ रहा है उस बबल्स को हमें किस कलर से करना है? ग्रीन कलर से। देखिए एम ए एन मैन, इसमें ए एन आया, तो इसको हम किस कलर से करेंगे? ग्रीन कलर से। ओके, नेक्स्ट एफ ए एन फैन, इसमें भी ए एन आया है ना, तो इसको भी हम ग्रीन कलर में कलर कर देंगे। देखिए पी एन पैन, इसमें भी ए एन आया है ना, इसको भी हम ग्रीन कलर से कलर करेंगे। ओके, आप भी ऐसे ही अपनी बुक में कलर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट द वर्ड्स इन द बबल्स इन टू सेट्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। ये जो तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है? जो वर्ड ए टी के साथ आ रहा है उसको हमें इस रो में लिखना है, और जो ए आर से आ रहा है उसको हमें इस रो में लिखना है, और जिसमें ए डी आ रहा है उसको इस रो में, और जिसमें ए एन एन आ रहा है उसको इस रो में। ओके, तो हमें यहाँ पे एट वाले वर्ड लिखने हैं, जैसे आर ए टी रैट, तो हम यहाँ पे आर ए टी
रेड, इसमें हम सारे एट वाले वर्ड लिखेंगे ओके। और यहाँ पे आर, जैसे F A R ओके, इसमें हम सारे आर वाले वर्ड लिखेंगे। और इसमें एड, एड HAD हैड, तो जिसमें AD आ रहा है उसको हम इसमें लिखेंगे। और यहाँ पे N, तो N FAN फैन, FAN फैन ओके। समझ गए बच्चों, हमें AT इसमें लिखना है, AR वाले वर्ड इसमें, AD वाले वर्ड इसमें, और AN वाले एन वाले वर्ड इसमें ओके। आप अपने बुक में इसको फिल करेंगे और लर्न करेंगे ओके। दिस टॉपिक इज़ ओवर।